हम अक्सर स्पेस कॉलोनाइजेशन यानी अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह पर बस्ती बसाने की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में बस्ती बसाने का सही समय कब आएगा? मैंने इस चैनल पर पहले भी कई बार स्पेस कॉलोनाइजेशन का जिक्र किया है, तो हर बार लोगों ने कमेंट किया है कि हमें स्पेस कॉलोनाइजेशन की क्या ज़रूरत है। अगर हम धरती को ही सही बना लें और इसका पॉल्यूशन ख़त्म कर दें तो हमें कहीं जाने की ही ज़रूरत ना पड़े। मैं उन लोगों की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर हम पृथ्वी का ध्यान रखें और ग्लोबल वार्मिंग ना करें तो पृथ्वी ही सबसे बेस्ट ग्रह है हमारे लिए। लेकिन बात सिर्फ हमारी जनरेशन की नहीं है। हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमें पृथ्वी के इस एनवायरनमेंट में रहने का मौका मिल रहा है, लेकिन भविष्य में पृथ्वी का एनवायरनमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। हमारी जनरेशन और भविष्य में हमारे बाद आने वाली 3 से 4 जनरेशन्स तक तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसके बाद की जनरेशन्स का क्या? क्या उनके समय में भी पृथ्वी का एनवायरनमेंट वैसा ही रहेगा जैसा अभी है? अगर भविष्य में मानव जाति का अस्तित्व बचाए रखना है तो भविष्य के इंसानों को अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर बस्ती बनाकर रहना ही पड़ेगा। ये अभी सुनने में साइंस फिक्शनल जरूर लगता है, लेकिन भविष्य का सच तो यही है। November 14, 2016 लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट सोसाइटी को संबोधित करते हुए प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने एक डरावनी भविष्यवाणी की। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि मानव जाति के पास सिर्फ 1000 साल बचे हैं और 1000 सालों बाद मानव जाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ तर्क भी सामने रखे। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि आज लगभग हर एक देश आधुनिक और सब कुछ तबाह कर देने वाले हथियारों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। माना कि हर एक देश शक्तिशाली हथियारों को अपनी सुरक्षा के नज़रिए से देख रहे हैं, और ये सही भी है, लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज जो हथियार डिफेंस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो वही हथियार कल अटैकिंग मोड में भी एक्टिवेट होंगे। हम इंसान छोटी से छोटी बातों पर ही लड़ बैठते हैं। जिस दिन ये न्यूक्लियर वेपन्स अटैकिंग मोड में एक्टिवेट होंगे उस दिन धरती पर जीवन की समाप्ति निश्चित है। जिस दिन ये हथियार चले उस दिन पृथ्वी से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर तरह का जीवन समाप्त हो जाएगा। इसका एक छोटा सा ट्रेलर हम अतीत में देख भी चुके हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। आज के हथियार हिरोशिमा और नागासाकी पर छोड़े गए हथियारों से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं। स्टीफन हॉकिंग ने अपना अगला तर्क दिया ग्लोबल वार्मिंग। चाहे हम इंसान कोई न्यूक्लियर वॉर लड़ें या ना लड़ें, चाहे हम पृथ्वी का सारा पॉल्यूशन ही ख़त्म कर दें, लेकिन पृथ्वी का औसत तापमान फिर भी बढ़ेगा। पृथ्वी का औसत तापमान सिर्फ 4 से 5 डिग्री तक ही बढ़ने पर धरती पर रहना दुर्लभ हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि धरती का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने पर धरती का जीवन ही ख़त्म हो जाए, नहीं। हाँ, लेकिन धरती पर जीवन जीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तापमान के बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, जिसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा और तटवर्तीय सभी इलाके पानी में डूब जाएंगे। समुद्रों का पानी गर्म हो जाएगा और पृथ्वी का एटमॉस्फेयर भी गर्म हो जाएगा। समय के साथ पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना तो प्राकृतिक है, लेकिन हम इंसान ग्रीन गैस पैदा करके पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं और समय से पहले ही पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ा रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति हमें हमारे द्वारा किए गए कामों के हिसाब देना शुरू करेगी। स्टीफन हॉकिंग का अगला तर्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैज्ञानिक इस समय भविष्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गंभीर रूप से देख रहे हैं। वैज्ञानिकों ने एआई को 3 भागों में बांटा है, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई और सिंगुलैरिटी एआई। अभी के समय में हम जिस एआई का उपयोग कर रहे हैं वो है वीक एआई। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस नहीं हुई है कि कोई चिंता का विषय बने, लेकिन इसके बाद का जो लेवल है वो है स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई हूबहू इंसानों की तरह ही सोच पाएगी और खुद से फैसले भी ले पाएगी। इस लेवल की एआई चिंता का विषय बन सकती है। एआई का तीसरा लेवल है सिंगुलैरिटी एआई।
सिंगुलैरिटी लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से आगे निकल जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यही वो दौर है जिसको वैज्ञानिक गंभीर रूप से देखते हैं। स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि अगर इंसान भविष्य के खतरे को नज़रअंदाज करते हैं तो शायद 1000 साल बाद इंसानों की नस्ल ही समाप्त हो जाए। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार स्पेस कॉलोनाइजेशन ही एकमात्र जरिया है मानव जाति का वजूद लंबे समय तक बचाए रखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।